हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 3000 पद जो है अब खाली ही रहेंगे, क्योंकि इसके लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। 3000 पद खाली रहेंगे। सोच सकते हैं आप कि इतनी बेरोजगारी होने के बावजूद भी 3000 पद कैसे खाली रह जा रहे हैं और अयोग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से ये पद जो है खाली रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि योग्यता होने पर भी बहुत सारे ऐसे बेरोजगार बैठे हैं जो योग्य हैं, लेकिन उनके लिए जो है वैकेंसी नहीं निकलने की वजह से वो बेरोजगार बैठे हैं, और जिनके लिए वैकेंसी आ रही है उस फील्ड में जो है योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा अपडेट देखेंगे हम लोग कि JEE टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती रद्द हो चुकी है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर और टेक्निकल असिस्टेंट कब निकला था ये पद, कब की है और क्यों ये भर्ती रद्द हुई, इसके बारे में अपडेट देखेंगे। साथ ही देखेंगे योग्य शिक्षकों के लिए जो है भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। अगर कोई भी योग्य शिक्षक हैं तो उसके लिए अभी मैं क्राइटेरिया बताऊंगा, अगर वो उसको फुलफिल करते हैं तो वो जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियोज़ अपलोड करूँ तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भर्ती विज्ञापन के बारे में बात करते हैं, जो शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर ये कौन सा पद है देख लीजिए, बहुत ही एक तरह से यूनिक पद है, बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में पहली बार सुनेंगे। जिले में संचालित छू लो आसमान कोचिंग सेंटर बीजापुर, ठीक है, ये जो है एक तरह से गवर्नमेंट के द्वारा इसको जो है वो ऑन किया जाता है कि जिले में संचालित, अब कौन से जिले की बात की जा रही है तो यहाँ पर दोस्तों बीजापुर की बात की जा रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बीजापुर जिले में संचालित छू लो आसमान कोचिंग सेंटर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, तो बीजापुर हेतु शैक्षणिक सत्र 2022-23 में JEE NEET जो NEET की तैयारी हेतु निम्नांकित विषय हेतु विषय विशेषज्ञ मास्टर प्रशिक्षकों की प्रतिमाह वेतन के आधार पर निम्नानुसार रखे जाने हेतु योग्य अभ्यर्थियों की यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं यहाँ पर विषय दिया गया है, बहुत सारे अलग अलग विषय हैं आप लोग देख सकते हैं, और विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता है शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए। देख सकते हैं कौन कौन से विषय हैं, गणित, रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक अध्ययन और संस्कृत। ठीक है, इतने विषयों के लिए जो है योग्य विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता है, और कितने कितने पोस्ट हैं, गणित के लिए 2 पोस्ट है, बाकी सभी के लिए एक एक पोस्ट है। यहाँ पर आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में देख सकते हैं MSc, BE, BTEC, MTEC, MA फॉर इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इनके लिए जो है ये जो है शैक्षणिक योग्यता है। साथ ही यहाँ पर दिया गया है कि BEd योग्यताधारी को प्राथमिकता दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आप BEd योग्यताधारी नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। वांछनीय योग्यता IIT, NIT या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से जो है कोचिंग कार्य के अनुभवी को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, और उत्तीर्ण यहाँ पर मांगा गया है मान्यता प्राप्त संस्था से। वेतनमान 25,000 से लेकर के 75,000 रुपये तक दिया जाएगा, काफ़ी ठीक ठाक वेतन है। और यहाँ पर जो आवश्यक नियम व शर्तें कुछ दी गई हैं कि आवेदन करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 16 अगस्त रहेगी, डेट आप लोग याद रखिएगा 16 अगस्त, और आप लोग अपनी जो भी आपकी पात्रता है, ठीक है, जो भी शैक्षणिक योग्यता है उसको मेल भी कर सकते हैं deo.bijapur02@gmail.com पर, और ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर दिया गया है bijapur.gov.in, तो यहाँ पर जाकर के पूरा जो है पूरी चीज़ें आप लोग अवलोकन जरूर कर लेंगे। हो सकता है अभी यहाँ पर आप लोग विजिट करें तो आपको ये नोटिफिकेशन ना दिखे, कुछ समय बाद ये नोटिफिकेशन आज या फिर कल तक आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं कि अगर आपको छोड़ना है, इस पद को त्यागना है, मान लीजिए आपको लग जाता है पद को त्यागना है, या फिर आपको हटाया जाता है किसी कारण से, तो 1 माह पूर्व आपको नोटिस देनी पड़ेगी या उनको नोटिस देनी पड़ेगी। तो इस तरह से है, आपको 20 दिन की जो शैक्षणिक सत्र रहेगी, शैक्षणिक वर्ष रहेगा 2022-23, उसमें 20 दिन का अवकाश भी आपको मिलेगा, ग्रीष्मकालीन अवकाश आपको नहीं मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर बीजापुर द्वारा निर्णय अंतिम सर्वमान्य होगा, और बाकी चीज़ें आप कर लेंगे, सभी चीज़ें देख लेंगे, इसके बाद ही इसके लिए अप्लाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं NIT में देख सकते हैं 77 पदों पर होने वाली जूनियर इंजीनियर और टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती रद्द कर दी गई है। ठीक है, तो ये कौन सी भर्ती थी NIT के लिए, ये जो है नॉन टीचिंग जो है पोस्ट थे। जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट समेत 77 पदों पर होने वाली भर्ती की प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। 77 पदों के लिए ये जो है भर्ती जारी की गई थी,
और एनआईटी रायपुर की ओर से सूचना यहाँ पर दिया गया है। शुक्रवार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी रायपुर की ओर से सूचना जारी कर ये जानकारी दी गई है। 2019 में इन गैर शैक्षणिक पदों के लिए युवाओं से आवेदन मंगाए गए थे और इसके लिए परीक्षा भी ली गई थी। इसमें 40,000 से ज़्यादा उम्मीदवार शामिल भी हुए थे और परीक्षा यहाँ पर दिया गया है कि 8,000 लोग पास हुए थे और दूसरी परीक्षा 2020 में हुई, इसके नतीजे अब तक जारी नहीं किए गए थे। ठीक है, अब जो है पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है और उम्मीदवारों में भारी नाराजगी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इतने साल तक जो है इंतजार करने के बाद अंत में क्या हो रहा है कि भर्ती रद्द हो जा रही है। कई बार ऐसा होता है और उम्मीदवारों को खासा जो है परेशानी झेलनी पड़ती है और उनमें खासा नाराजगी भी देखने को मिलती है। कितना मेहनत करके कोई अभ्यर्थी एक एग्ज़ाम दिलाता है और किसी वजह से, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं होती, उस वजह से उस भर्ती को रद्द कर दिया जाता है। इसमें जो है तकनीकी कारणों की वजह से परीक्षा को रद्द करने का हवाला दिया जा रहा है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कई सारे जो भर्तियां इस तरह से रद्द कर दी जाती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके इस तरह के जो है घटना सुनने के बाद आपकी क्या राय है। अब दोस्तों फाइनली हम बात करते हैं 3,000, यहाँ पर देख सकते हैं 3,000 पद रह जाएंगे खाली। ठीक है, ये कौन से पद हैं? देख सकते हैं कि 2019 में जो है 14,000 शिक्षकों की भर्ती निकली हुई थी, जिसमें अब तक 10,000 की नियुक्ति की जा चुकी है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो बचे हुए लगभग 3,000 पद हैं वो खाली रह जाएंगे। क्यों रह जाएंगे? क्योंकि योग्य शिक्षक ही नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सरकारी स्कूलों की भर्तियाँ लगातार अभी चल रही हैं। 2 साल पहले जो वैकेंसी आई हुई थी 2019 में, ठीक है, उसमें 14,000 भर्तियां हुई थी, 14,500, और उसमें बहुत सारे पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी है। व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, ठीक है, बहुत सारे जो भर्तियां की जा चुकी हैं। लेकिन कोरोना की वजह से क्या है कि 2 साल तक भर्ती की प्रक्रिया अटकी भी रही और पुरानी मेरिट लिस्ट के आधार पर इस साल फिर से शिक्षकों के 4,000 पदों की भर्ती शुरू की गई। लेकिन मेरिट लिस्ट के आधार पर 7वें राउंड अब जो चल रहा है वो 7वां राउंड का काउंसलिंग है। ठीक है, उसमें 1,000 पदों के लिए ही दस्तावेज परीक्षण जो है उनका लिस्ट निकाला गया है। और इसके अलावा जो 4,000 पद बचे थे उनमें जो है योग्य 1,000 उम्मीदवार ही पाए गए हैं। इसके अलावा जो बाकी 3,000 पद हैं उसके लिए योग्य उम्मीदवार अभी तक नहीं मिल पाए हैं। इसके लिए दस्तावेज सत्यापन जो है 8 से 12 अगस्त तक होगा। डेट जारी कर दिया गया है, लिस्ट जारी कर दिया गया है, किसको कहाँ जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, सारी चीज़ें जारी कर दी गई हैं। और उसके बारे में दिया गया है कि उम्मीदवार शिक्षा संभाग पेंशनबाड़ा शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर में 10 बजे से दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी ये दी गई है कि इसके बाद भर्ती नहीं होगी, ये कहना है सुनील जैन, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय का। उनका कहना है कि शिक्षक भर्ती के लिए दस्तावेज का सत्यापन करने का 6 राउंड पहले ही पूरी हो चुकी है। अब जो है 7वें राउंड की काउंसलिंग 12 अगस्त तक चलेगी। यह काउंसलिंग आखिरी होगी, इसके बाद कोई भी भर्ती नहीं होगी। साथ साथ उन्होंने कह दिया है कि यह आखिरी काउंसलिंग होगा, इसके बाद कोई लिस्ट नहीं निकाला जाएगा, किसी प्रकार की भर्ती नहीं होगी। तो देख सकते हैं कि आखिरी बार ये मौका मिला है, लेकिन अब जो है 3,000 पद रिक्त जाने की संभावना है। और इसके बारे में मैं पहले ही कई बार अपडेट दे चुका हूँ कि किस लिए जो है ये पद खाली रह जा रहे हैं, योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। बहुत बार ये जो खबर सुनने को आई है कि ST पद के जो है काफ़ी सारे उम्मीदवार यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, योग्य उम्मीदवार, जिससे ST के बहुत सारे पद खाली रह गए हैं। इसके अलावा और भी कई कारणों से और भी कई सारे पद यहाँ पर खाली हैं। ठीक है, तो आई होप ये अपडेट आपको आज का जो है यूज़फुल लगा होगा। इस अपडेट के बारे में अगर आपको कुछ भी पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक। इस वीडियो में इतना ही था, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।